से लैक्मे फैशन वीक शुरू हुआ है पता नहीं कितने साल हो गए अभी, तब से मैं शोज़ कर रही हूँ इनके लिए और बहुत ही अच्छा जर्नी रहा है क्योंकि अभी हम जैसे कि एक फैमिली बन गए हैं तो वी आर वेरी कम्फर्टेबल विद ईच अदर और हमेशा इसमें शो डायरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। एंड आज जैसे कि आप जज भी कर रहे हैं तो कितना अलग एक्सपीरियंस होता है जजिंग का? जजिंग एक्चुअली हमारे लिए एक ही संबंध होता है लैक्मे फैशन वीक के साथ, तो मॉडल्स को इमेजिन कर रहे हैं हमारे शोज़ में जो हम डायरेक्ट करने वाले हैं, तो हम उसमें देख रहे हैं कि अगर वो इंडियन कपड़ा पहन रही है तो वो कैसे चलेगी, अगर वो वेस्टर्न कपड़े पहन रही है तो कैसे चलेगी, उसका कॉन्फिडेंस क्या है, कितना मेहनत करना पड़ेगा एक लड़की पे, या जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकती है जिसका बॉडी हमको, तो हम उसको देखते हुए ऑडिशन करते हैं। एंड आपके हिसाब से मतलब एक मॉडल के लिए मतलब और लैक्मे फैशन वीक का पार्ट बनने के लिए क्या क्या खासियत होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? हाइट होना चाहिए, लीन बॉडी होना चाहिए, टोन्ड बॉडी होना चाहिए मतलब फिट, स्किन क्लियर होना चाहिए और एक एटीट्यूड होना चाहिए, पर्सनालिटी होना चाहिए जो एक कमरे में जब भी कोई अंदर आता है तो आपको लगे कि कोई अंदर आया है, ऐसे ही जब स्टेज पे एंट्री हो चाहिए कि शी इज़ कम्फर्टेबल इन इट एंड शी इज़ इन कंट्रोल। एंड कितना मुश्किल होता है मतलब इतने सारे मॉडल्स में सिर्फ 5 छोड़ देना? मुश्किल तो होता है लेकिन अगर आप देखें कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो भी फुलफिल करे सब जाके जब एक पैकेज बनता है जो एक लुक होता है अगर आप वो फिट कर सकें तो फिर दैट्स इट। एंड और क्या विशेष देना चाहेंगे आप विनर्स को? आई थिंक वी हैव गॉट अ ग्रेट सिलेक्शन, तो मैं उनको सिर्फ इतना बोलूँगी किसे कि लैक्मे फैशन वीक में जब वो हिस्सा ले तो वो प्रोफेशनल रहे, एटीट्यूड ठीक रखे, सबके साथ मिलजुल के काम करे और प्रोफेशनली काम करे। थैंक यू सो मच।